हेलो फ्रेंड्स सो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे लास्ट वीक ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी उथल पुथल रही पर हमारा मार्केट एकदम स्ट्रांग रहा uh, बैंक निफ्टी ने वापस एक इनसाइड पर बनाया लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट ज़ीरो पॉइंट था और निफ्टी वीकली चार्ट आफ्टर ऑलमोस्ट एट वीक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वीक्स के राइज के बाद एक हाफ ए परसेंट की फॉल दी है तो कुछ बड़ा राइज या फॉल हमने देखा नहीं गया है मार्केट में और मंथली चार्ट में तो निफ्टी सुपर स्ट्रांग है देखिए ऑलमोस्ट टेन परसेंट का मुँह दे चुका है लगभग दो मंथ्स में पर इस मंथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ओपन एंड हाई लगभग सेम है ओपन एंड हाई जब भी सेम होता है तो जब तक वो हाई नहीं करता है तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी एक बेरिश मूव रहता है जैसे यहाँ पे देखिए Uh, आपका दिसंबर में था ओपन हाई सेम मार्केट ऑलमोस्ट थ्री एंड हाफ परसेंट टूटा था तो uh, जब तक मतलब अगर इफ़ यू आर लॉन्ग uh, तो अगर आपको फ्रेश लॉन्ग्स लेने हैं तो एक बार ऑल टाइम हाई टूटने दीजिए तभी लॉन्ग लीजिए इट विल मेक सेंस अदरवाइज़ मार्केट आपका जो लास्ट मंथ का लो है विच इज़ ट्वेंटी फोर थाउजेंड वहाँ तक आने की चेष्टा कर सकता है तो अब हम डेली चार्ज पे चलते हैं सबसे पहले निफ्टी मोस्टली uh, मंडे को कैपडाउन खुलेगी तो हमें यह ध्यान में रखना है कि ट्वेंटी फोर फाइव एटी एट ये ट्वेंटी टू मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्लोज़ होगा मार्केट तो अच्छा है क्योंकि ये देखिए फोर uh, जून के बाद एक बार भी इसको तोड़ा नहीं है मार्केट ने और अगर इसको एक बार तोड़ देता है तो फिर ये हाई प्रॉबिलिटी है ये अराउंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ जाएगा बैंक निफ्टी अपना ट्वेंटी के नीचे तो चल ही रहा है अब एस बी आई का रिजल्ट इस बार थोड़ा अच्छा है पर देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है कि जब तक ये फिफ्टी वन या फिफ्टी के ऊपर नहीं जाता है ये 50 डे की लाइन को होल्ड कर रहा है अगर इसके नीचे क्लोज हो गया मार्केट तो ये 49442 तक आने की पूरी संभावनाएं हैं अब हम ग्ञान एंगल्स पे चल चलते हैं आ, सबसे पहले आ, जो एस्ट्रो एंड टाइम साइकिल्स लेवल्स हैं तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने ट्वेंटी ऑफ दिसंबर को एक टॉप बनाया था उसको अगर हम गैन एम्लम पे डालते हैं तो हमारी एक डेट आती है टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन डिग्री अराउंड अगस्त जीरो फोर उससे पहले आती है वन एटी डिग्री जून ट्वेंटी एट आप इनको यू नो यू कैन जस्ट सी हाउ मार्केट्स हैव रिएक्टेड ऑन दिस डेट्स यहाँ पे एक आपको अच्छा रिएक्शन मिलता है तो वन एटी डिग्री जून ट्वेंटी एट का मैं आपको बता देता हूँ जून ट्वेंटी एट ट्वेंटी फिफ्थ या ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन थी ट्वेंटी एट्थ को छुट्टी थी ट्वेंटी नाइन को एक शॉर्ट टर्म टॉप बनाया उस हाई के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट और उसके बाद से एक अच्छा डिक्लाइन उसके लो के नीचे ही है तो ट्रेंड आपका डाउन साइड ही है तो ये एक डेट आ रही है उसके बाद एस्ट्रोसाइट से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं सबसे पहले हो रहा है कि मरकरी अपना रेट्रोकेट चालू कर रहा है फोर्थ ऑगस्ट को एंड सो मरकरी इज़ इन वर्गो एस्पेक्ट जो एक अर्थ एलिमेंट का होता है तो उसमें बेसिकली एग्जिस्टिंग ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये चालू हो रहा है आपका फोर्थ सॉरी फिफ्थ अगस्त को फिफ्थ अगस्त को आपका ये चालू होगा विच इज़ ऑन मंडे सो मंडे का हमारा हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज मर्करी रेट्रोगेट ये चलेगा लगभग ट्वेंटी नाइन्थ तक दूसरी चीज़ जो हो रही है वो हो रही है कि हमारा जो, जो जोडियक है मतलब आ, वीनस है वीनस भी अपना साइन चेंज कर रहा है तो मरकरी ऑलरेडी वर्गों में है और वीनस भी वर्गों में आ रहा है तो लगभग टू शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स वर्गों के अंदर आ चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मैंने आपको लगा के बताया कि वीनस जब वर्गों में जाता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया था उससे पहले वीनस वर्गों के अंदर कब गया था यहाँ पे गया था उसके बाद चीख देखिए ट्रेंडिंग मूव आता है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है क्योंकि ये अर्थ एस्पेक्ट में आ जाता है अर्थ एस्पेक्ट सॉरी अर्थ जोडियक में आ जाता है एंड वहाँ पे जब भी होता है तो आप देखेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है जो हमारा फुल मून एंड न्यू मून लूम की साइकिल है वो भी हमें देखने को मिल रही है जो कल है आपका सन एंड मून आर जीरो एट एंड वन एटी डिग्री तो जो हमारा पूर्णिमा नमावस्या होता है उसको भी मैं भी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ तो अब ये यहाँ पे बन चुकी हैं अब हमें ये न्यू मून आ रहा है तो ये लास्ट टाइम ये न्यू मून इधर आया था देखिए ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ न्यू मून आया ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसमें ही कंटिन्यूशन रहता है तो क्या द मच अवेटेड करेक्शन क्योंकि निफ्टी यहाँ से ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस बॉटम अराउंड अगर हम निफ्टी के चार्ट पे चलें तो यहाँ से मार्केट रैली कर गया है ये लो था हमारा ट्वेंटी वन टू एटी वन और अभी हमने हाई बनाया है ट्वेंटी फाइव ज़ीरो सेवन एट का तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें ट्वेंटी वन टू एटी वन और ट्वेंटी फाइव ज़ीरो सेवन एट तो ये लगभग आ जाएगा आपका माइनस ट्वेंटी वन टू एटी वन ये लगभग हमारा लगभग फोर थाउजेंड पॉइंट्स तक की रैली मार्केट कर चुका है थ्री सेवन नाइन सेवन पॉइंट्स की रैली सो so, ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड पॉइंट्स का थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड पॉइंट्स का रैली कर चुका है तो अगर उसका हम रिट्रेस करें तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ये वाला जो बॉटम है जो हमारा बजट डेक्यूमेंट बना है ट्वेंटी फोर जीरो सेवन फोर अगर ट्वेंटी फोर फाइव एट ब्रेक हुआ, तो ट्वेंटी फोर जीरो सेवन फोर तक मार्केट आ सकता है करेक्शंस फॉस्ट होते हैं ये हमने जाना है तो अभी तक हमारा मार्केट बहुत ही रेजिलेंट रहा है तो आगे भी रह सकता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ट्वेंटी ये लेवल हमें ध्यान में रखना है ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज का तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्ट्रो एस्पेक्ट जो मैंने भी आपको बताए एक तो मरकरी का रेट्रोगेट हुआ है रेट्रोगेट्स आर मोस्ट पावरफुल इवेंट्स आफ्टर एक्लिप्सिस एज पर गैन एंड जॉर्ज बेयर्स आल्सो तो ये हमें ध्यान में रखना है और उसके बाद एक और सेवंथ एंड एट्थ को हमारा एक सोलर एक्लिप्स का डिग्री लेवल है जो प्रॉब्ली उस टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊँगा और सेवन थ को एक यू नो बेयर्स का रूल भी आ जाता है जो बोलता है कि भाई विद इन फाइव टू एट डेज अगर मरकरी या वीनस रेट्रोगेट होते हैं तो हमें एक अच्छा मूव मिलता है तो वो सेवन एन एट आएगा तब मैं बताऊंगा पर अभी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है फर्स्ट फिफ्टी मिनट्स का हाई हाईअलो नोट कर लीजिए अगर फिफ्टीन मिनट्स के लो के नीचे ही रहता है तो फिर मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है अभी तो कुछ फॉल हुई नहीं है मार्केट में जापान मार्केट थर्टीन डाउन है नेजडेक इज ऑलमोस्ट डाउन टेन परसेंट फ्रॉम इट टॉप एस ऑलमोस्ट सिक्स हो गया है डाउ भी एक अराउंड थ्री टू फोर हो गया है सो so, टॉप से बहुत ही वर्ल्ड मार्केट्स में करेक्शन आएँ तो प्रॉब्ली कोरिलेशन पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में तो आ, अगर एशियन मार्केट्स में वापस अगर मंडे को भी फॉल रहता है तो इंडियन uh, मार्केट्स पे थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आएगा उसका बेसिक साइकोलॉजी समझिए कि uh, जहाँ से आई मीन द फॉरेनर्स आर इन्वेस्टेड ऑल इन इन थ्रू आउट द मार्केट्स हर मार्केट का वेटेज होता है इंडियन मार्केट्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है एंड इफ दे आर मेकिंग मोर प्रॉफिट्स इन इंडियन मार्केट्स एंड तो जहाँ से उनके जैपनीज मार्केट हो वहाँ पर उनका जो इन्वेस्टमेंट उनको नेगेटिव रिटर्न देगा उसका रिडेंशन करने के लिए प्रॉब्ली दे माइट हैव टू सेल इंडियन मार्केट्स इसका एक सिंपल सा रीजनिंग आप देखिए कि uh, ऑन फ्राइडे एफ ने थर् थ्री थाउजें थ्री हंड्रेड करोड की सेलिंग की है डी ने ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड करोड्स की बाइंग की ओनली फॉर थ्री हंड्रेड पॉइंट सेलिंग वी आर डाउन थ्री हंड्रेड पॉइंट्स तो एफ को मालूम है कि कौन से शेयर करके इंडेक्सेस गिरते हैं दे ऑलवेज हैव द क्वालिटी शेयर जिनका इंडेक्स वेटेज ज्यादा होता है एच बैंक ने फिर भी निफ्टी निफ्टी को बैंक निफ्टी को संभाल लिया था उसके कारण निफ्टी में बड़ा कट नहीं लगा पर दिस कैन नॉट भी रिपीटेड एवरी टाइम तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और जैसे मैंने बताया ओपन एंड हाई भी सेम है ऑन अ मंथली चार्ट तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जब भी ओपन है इसमें से हमने देखा एक बड़ी फॉल देखने को मिली गई है मैक्सिमम फॉल अभी तक इस पूरे आई मीन अगर हम अप्रैल से देखें तो ऑलमोस्ट फोर पॉइंट फाइव परसेंट इवन वी हैवन फॉलन इन फाइव परसेंट और अभी हमारा जो क्यू एन के रिजल्ट है दे आर नॉट सो एनकरेजिंग सो द काइंड ऑफ वैल्यूशंस वी आर ट्रेडिंग ऑन द फंडामेंटल साइड तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो गैन का रूल विच इज़ बेसिकली इफ मार्केट राइजेज फॉर फाइव कंजीक्यूटिव डेज इज हाई प्रोबलिटी ऑफ करेक्शन राइजिंग थ्री थ्री डेज तो अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे देखिए तो यहाँ पे देखिए हम फाइव डेज तक राइज हो रहे थे वन टू ये भी हम पॉजिटिव में बंद हुए थे थ्री फोर फाइव ये सिक्स डे हमने राइज़ किया था तो मतलब फाइव डेज से ज़्यादा हो जाता है तो थ्री डेज तक का करेक्शन ये फर्स्ट डे ऑफ करेक्शन है अब देखते हैं नेक्स्ट टू डेज़ में हम कहाँ तक जा पाते हैं अगर आ, हम यहाँ पे देखें अगर हम छोटे या तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलें और मैं एक फिबना के रेशियो लगा देता हूँ फ्रॉम ये बॉटम यहाँ से बजट डे से लेके यहाँ तक तो इसका फिफ्टी परसेंट आता है लगभग ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फाइव सेवेंटी फोर और आपका ट्वेंटी ई एम ए है ट्वेंटी फोर फाइव एटी एट तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है अगर फाइव एटी फोर या फाइव फिफ्टी के नीचे अगर हम ट्रेड करने लग जाते हैं तो प्रेशर ऑन डाउन साइड विल इंक्रीज और नहीं होलता है तो फिर मार्केट वापस रैली कर सकते हैं तो अब मैं आपको न्यूरल फोकास्ट बता देता हूँ फोकास की तरफ चलते हैं ये निफ्टी का न्यूरल फोकास्ट आ रहा है बेसिकली द फॉल कैन कंटिन्यू ऑल द वे टू वर्ड सेवन एट नाइन्थ को थोड़ा मूव आएगा थर्टीन तक रहेगा थर्टीन के बाद एक अच्छी फॉल बता रहा है और उसी तरह से अब हम बैंक निफ्टी की तरफ भी चल चलते हैं ये सॉरी वो बैंक निफ्टी का था ये निफ्टी का है ये वापस गिरेगा थर्टीन्थ को आई थिंक इन्फ्लेशन का डेटा आएगा यूएस में उसके हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव है उसके बाद ये फॉल दिखा रहा है और अगर हम गैन एंगल्स की तरफ चलें तो ये देखिए निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहे हैं 25,000 पे जो मैंने बताया था 24,950 से 25,025 की रेंज में उसके नीचे ही क्लोज हुआ था उस दिन भी और उसके बाद एक अच्छी फॉल आई बैंक निफ्टी आ, का अगर हम देखेंगे तो वापस ट्रायंगल के अंदर ही चल रहा है और अगर ये लोअर ऑफ द ट्रायंगल ब्रेक हुआ तो ये लगभग फोर्टी नाइन तक जा सकता है और अगर हम आ, निफ्टी का ये देखिए वीकली शार्क पैटर्न बन रहा है जिसका फॉल ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू नाइन तक बता रहा है वीकली में वापस इसने रेजिस्टेंस ही वहीं पे लिया है ए एफ लाइन पे मंथली uh, तो हमारा uh, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है बैंक निफ्टी भी इन साइड बार बना के रखा है वीकली में विथ ए डोजी काइंड ऑफ पैटर्न और प्राइमरी पे वापस इसमें भी शार्क पैटर्न ही दिखाई दे रहा है एंड अगर हम सेंसेक्स भी देखें सेंसेक्स में एक इंपॉर्टेंट सेंसेक्स का मैंने अभी डेटा एनालाइज करने की की है तो ये ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ कंप्लीट हो चुका है इधर और ये फॉल बता रहा है इलेट वेव के हिसाब से सेवेंटी सेवन थाउजेंड तक अभी एफ रजिस्टेंस लोन पे है और प्राइमरी में भी शार्क पैटर्न बता रहे हैं तो ऑल इन ऑल थोड़ा सा बेरिश लग रहा है मार्केट पर मार्केट्स आर ऑलवेज हमें अपनी लेवल्स के हिसाब से देखना है तो ये मेरे लेवल्स हैं ट्वेंटी फोर सिक्स वन फाइव फाइनेंस निफ्टी का ट्वेंटी थ्री टू एटी थ्री एटी सिक्स नाइन्टी सिक्स एंड फिफ्टी वन डबल वन सिक्स एंड ये आपके लेवल्स हैं सेंसेक्स में हम लगभग टू हंड्रेड पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं फाइनेंस निफ्टी और निफ्टी में फिफ्टी फाइव पॉइंट्स का और निफ्टी बैंक निफ्टी में हंड्रेड एंड एट पॉइंट्स का और जैसे जैसे टारगेट है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो बहुत ही छोटा सा वीडियो ऑन डिफरेंट एस्ट्रो एंड गैन एस्पेक्ट्स विच आर कमिंग फॉर द कमिंग एक्सपा कमिंग वीक बहुत ही एक्साइटिंग वीक रहने वाला है लेट सी हाउ मार्केट बिहेव एंड या वीकली पे एक और है कि हम फोर्टी नाइन फिफ्टी जो वीक्स हैकेले वो भी कम्प्लीट कर चुके हैं प्रॉब्ली और नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊँगा ये वीडियो पहले बहुत लॉन्ग हो चुका है तो या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टे डिसिप्लिन